प्रभात बच्चों, पिछले क्लास में हमने व्याकरण में क्या क्या सीखा था? स्वर, स्वर के प्रकार, व्यंजन, व्यंजन में से कौन से किसे कौन सा व्यंजन कहते हैं उसी को, और उसके बाद हम अभी आप जानेंगे संज्ञा, संज्ञा जो ऑलरेडी आपको पता है। अभी इसके आगे जो आता है वो है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कुल मिलाकर पाँच है। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? कुल मिलाकर पाँच है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो पाँच है उसका अब व्याख्यान हम सीखेंगे। पहली बार आता है जो यहाँ पर है संज्ञा के प्रकार करके आपको लिखना है। संज्ञा के प्रकार में से पहला प्रकार होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं यहाँ पे अभी मैं लिखकर बताऊंगी, उसी तरीके से आपको भी लिखकर लेना है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अभी इसका पूरा विस्तार देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, या कह सकते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को सूचित करने वाले शब्दों को हम सूचित करने वाले शब्द को संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को सूचित करने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि पहला जो है उदाहरण, मेरा नाम आकाश है, ठीक है, आकाश है। दूसरा जो है अमन घर चल, तीसरा जो है नरेंद्र ने आम खाया, नरेंद्र ने आम खाया, ठीक है। इसके बाद चौथा जो है गौरी गाना गाती है, ठीक है। ये हो गए चार उदाहरण। यहाँ इसमें से अभी हम व्यक्ति का नाम कौन सा है यहाँ पे जानेंगे। मेरा नाम आकाश है, यहाँ पे आकाश कौन है? व्यक्ति। तो यहाँ पे हो गया व्यक्तिवाचक। अमन घर चल, अमन कौन है? लड़का है, उसको व्यक्ति कहा जाता है। और कहाँ पे चलने के लिए बोल रहे? घर चलने के लिए बोल रहे, ओके।
नरेंद्र ने आम खाया, नरेंद्र ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे क्या है, नरेंद्र ऑल्सो इज द मैन और व्यक्ति। गौरी गाना गाती है, गौरी गाना गाती, गौरी यहाँ पे लड़की है तो ये भी एक व्यक्ति हो गई। तो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम को सूचित करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अभी आगे देखेंगे हम लोग कि द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अभी दूसरा जो आता है उसमें से समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। अभी दूसरा वाला जो है समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा यानी कि किसी एक जगह या स्थान पर एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का समूह हो उसे हम समुदायवाचक समुदायवाचक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पहला वाला, जंगल में हाथियों का झुंड जा रहा है। ठीक है, दूसरा वाला जो है, कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं और तीसरा वाला जो है, बाजार में लोगों की भीड़ लगी है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको जंगल में हाथियों का झुंड जा रहा है, जंगल में हाथियों का झुंड यानी कि क्या है, जंगल में हाथियों का ग्रुप जा रहा है, झुंड यानी कि क्या है, ग्रुप जा रहा है। तो ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट वन। दूसरा वाला है, कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षा यहाँ पे क्या है, एक समूह है। बाजार में लोगों की भीड़ लगी है, भीड़ यहाँ क्या है, ये भी एक समूह है। चलिए अभी आपने जान लिया समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है करके। अगले क्लास में हम मिलेंगे,
जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को लेकर। तब तक के लिए आपको क्या करना है, यहाँ इसी तरह का उदाहरण आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए भी 1-3 उदाहरण लिखने हैं और समुदायवाचक के लिए भी 1-3 उदाहरण लिखकर लेके आने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले क्लास में मिलेंगे इन तीनों का व्याख्यान लेके। ठीक है, बाय बाय।